इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता में सत्ता लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में न सिर्फ साफ सफाई को लेकर नगर निगम मुस्तैद नजर आ रहा है, बल्कि शहर को गंदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में निगम की टीम ने ऐसा लोडिंग रिक्शा पकड़ा है जो घर का कचरा रेलवे क्रॉसिंग पर फेंकने आया था। दरअसल MR4 पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के दौरे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़क किनारे कचरा होने की सूचना निगम अधिकारियों को दी, जिसके बाद शुक्रवार को निगम के स्वास्थ्य अमले ने MR4 भागीरथपुरा रेलवे लाइन के समीप कार्रवाई करते हुए एक लोडिंग ऑटो रिक्शा को कचरा फेंकते हुए रिक्शा चालक को रंगे हाथ पकड़ा और उस पर चालानी कार्रवाई की। इंदौर नगर पालिका निगम स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया ने बताया कि रिक्शा चालक पर 2000 स्पॉट फाइन लगाया है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण नज़दीक है, कल परसों भी ऐसे कलेक्टर साहब यहाँ से निकले थे, वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से ऐसी जानकारी संज्ञान में आई थी कि चूंकि MR4 का रास्ता सुनसान है तो कई लोडिंग वाले और रिक्शा वाले और यहाँ से मजदूर टाइप के लोग जाने वाले हैं, अटाले वाले हैं, ये कचरा रेलवे का जो ये क्रॉसिंग और ये फुटपाथ से लगा हुआ जो क्षेत्र है निगम सीमा में, इस पर कचरा फेंक के चले जाते हैं। हम लोगों ने जो है इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज हमने एक लोडिंग रिक्शा को पकड़ा है, उसमें कचरा है और ये कचरा जो है यहाँ पे फेंक के जा रहा था, संबंधित को यहीं रोक लिया गया है, उससे पेपर मंगाए हैं और स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है उससे। स्वच्छता सर्वेक्षण के पूर्व शहर को 7वीं बार नंबर 1 बनाने के लिए निगम की टीम इधर उधर कचरा फेंकने वालों पर लगातार कार्यवाही कर रही है, साथ ही शहरवासियों से शहर को साफ सुथरा रखने की अपील की जा रही है। इंदौर से नीरज बोरासे की रिपोर्ट।